नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को गाजर का हलवा की रेसिपी बताने जा रही हूँ। कुछ लोग इसको गजरेला भी बोलते हैं। गजरेला बनाने के लिए आपने 2 किलो गाजर लेना है। गाजर कम ज्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। गाजर का छिलका उतार के आपने खूब अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपने उसको कद्दूकस करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने 2 किलो गाजर लिया है, इसको खूब अच्छे से धो के इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम गाजर का हलवा बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बिना दूध के ही बना रही हूँ। आप एंड तक इस वीडियो का देखिएगा कि बिना दूध के गाजर का हलवा कैसा बनता है। अब हम गाजर का हलवा बनाते हैं। दोस्तों गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर ले रही हूँ। आप चाहो तो नॉन स्टिक के बर्तन में भी बना सकते हैं। आपने इस कुकर में कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देना है। ये देखिए, कद्दूकस किया हुआ गजरेला को मैंने कुकर में डाल दिया है। दोस्तों अगर आप चाहो तो गजरेला को कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब आपने गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा देना है। ये देखिए, कुकर को मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। अब आपने इसको मीडियम आंच में 20 से 30 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। इसको आपने बीच बीच में चलाते रहना। आपको पता है कि ये जो कद्दूकस किया हुआ गाजर है ये पानी छोड़ता है। आपने इसको बीच बीच में चलाते रहना है। बीच बीच में गाजर को चलाते रहे। ये देखिए, ये गाजर जो है ये नरम होते जा रहा है। साथ में ही आपने ये 1 कटोरी देसी घी डालना है। घी डाल के इसको अच्छे से चलाए, यानी कि घी को मेल्ट होने दे। ध्यान रहे कि आपका जो ये गजरेला है ये जले ना। ये देखिए, घी डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए गाजर पानी छोड़ रहा है और साथ में इसमें घी भी है। अब आपने इसको मीडियम आंच में पानी सूखने तक पकाना है, यानी कि ये हलवा घी छोड़ने लगेगा। जब आपका हलवा बनके तैयार हो जाएगा तब ये घी छोड़ेगा। बीच बीच में इसको चलाते रहे। ध्यान रहे दोस्तों कि आपका ये जो गाजर का हलवा है ये जले ना। ये देखिए, करीब करीब ये गजरेला बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए, इसका पानी भी सूख गया है और ये घी छोड़ रहा है। अब आपने चीनी 1/4 कटोरा लेना है। मीठा कम ज्यादा आप अपने हिसाब से ले। चीनी डाल के इसको खूब अच्छे से मिक्स करें। साथ में 2 छोटी इलायची भी कूट के डाल दे। इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आपने चीनी डालने के बाद गैस के फ्लेम को फुल रखना है और आप इसको चलाते रहे। ये देखिए, गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। अब ये गजरेला घी भी छोड़ रहा है। ये देखिए, इसका जितना भी पानी था ये पूरा सूख गया है और अब ये घी छोड़ रहा है। और इसमें इतनी अच्छी देसी घी की खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। दोस्तों ये होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसको देखने के लिए मेनुका शर्मा किचन में लॉग इन कीजिएगा। आपने 1 कटोरी मावा डालना है। मावा डाल के आपने इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पर मुझे गाजर के हलवा में ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं। दोस्तों इस गजरेला में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ठंड के मौसम में इसे खाने में और भी मजा आता है।
अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, गरम गरम गाजर का हलवा की रेसिपी बनके तैयार हो गया है। इसको आप गरम गरम खाइए दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। दोस्तों आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।